हेलो गाइस, आई एम एसआरपे एंड वेलकम बैक टू द केस स्टडी विद मी। तुम सभी लोगों ने इस पॉइंट पर के पॉप इंडस्ट्री, के ड्रामा इंडस्ट्री या फिर कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में सुन ही लिया होगा। इट्स अ वेरी बिग स्पेस जो कि कोरियन वेल्थ का मेजॉरिटी पैसा इन्वॉल्व और इंडल्ज कराता है, पर कोरियन एंटरटेनमेंट के पीछे की सच्चाई बहुत ही खराब है। एंड इस सच्चाई के जब बिट्स एंड पीसेस में कुछ पल बाहर आते हैं, तब लोगों को पता चलता है कि एक्चुअली इस इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। सी, इस केस में बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, बहुत सारे नाम हैं, तो मैंने पूरी की पूरी कोशिश करी है अपने साइड से कि तुम्हें ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे केस और तुम्हें हर एक चीज इजिली समझ आ जाए। ऑल्सो इस केस में बहुत सारे YG एंटरटेनमेंट कंपनी के मेंबर्स इन्वॉल्व हैं एंड आई एम श्योर कि इंडिया से भी जो लोग देख रहे हैं उनमें से कुछ K-pop फैंस ऐसे होंगे जिनकी फेवरेट कंपनी YG है। सो आई जस्ट वांट टू से दिस थिंग कि ऑब्वियसली आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट YG, वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, राइट? व्हाट कैन आई डू, बट इट्स जस्ट द नेचर ऑफ दिस केस। बहुत सारे बस YG के मेंबर्स इन्वॉल्व है इसमें, इसीलिए इसमें मुझे ऐसे नाम लेने पड़ेंगे। आई एम ट्राइंग टू से इज दैट बी नाइस इन कमेंट्स। पर केस स्टडी में आगे बढ़ने से पहले मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि शायद से तुम में से कुछ लोगों को ये चीज नहीं पता होगी कि मैं गाने भी गाता हूँ। अदर देन डूइंग केस स्टडीज आई ऑल्सो सिंग एंड मेरा सेकेंड गाना अब आ चुका है स्पॉटिफाई पे जिसका नाम है जाना। दिस सॉन्ग इज अबाउट यू चीटिंग ऑन योर एक्स, विच कैनॉट बी कॉल्ड चीटिंग टू बी ऑनेस्ट। बेसिकली इस गाने की स्टोरी ये है कि वेन यू आर मेंटली चीटिंग ऑन योर एक्स, यू फील गिल्टी इवन दो यू नॉट विद देम। एवर सिंस आई हर्ड दैट बीट बाय तात्सुकी, आई ऑलवेज वॉन्ट टू राइट अबाउट दिस थिंग, सो मे बी एटलीस्ट वन पर्सन कैन रिलेट टू इट। चीटिंग ऑन योर एक्स अ थिंग और एम आई जस्ट डिल्यूशनल? पर अगर आपको मेरी आवाज पसंद है तो आई एम 100% श्योर कि आपको ये गाना भी पसंद आएगा। इट्स R&B एंड इट्स पॉप, इट्स नॉट अ रैप सॉन्ग अगेन एंड इट इज आउट ऑन एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म, बट स्पेसिफिकली आई थिंक ऑल ऑफ यू विल लिसन टू इट ऑन स्पॉटिफाई एंड एप्पल म्यूजिक, सो वहाँ पर भी ये है। एंड हियर इज अ स्निपेट ऑफ दिस सॉन्ग। अगेन प्लीज गो लिसन टू माई सॉन्ग, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, ऑब्वियसली बात सभी लोग कहते हैं, बट या आई डिड एक्चुअली वर्क वेरी हार्ड ऑन इट एंड इट इज़ आउट ऑन एवरी प्लेटफॉर्म अगेन एंड मैंने पिन कॉमेंट में लिंक्स पिन कर दिए होंगे। थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स कैरी ऑन। वेल, विद दैट आउट ऑफ द वे, लेट्स लर्न अ लिटल मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड बर्निंग सन क्लब। बर्निंग सन की शुरुआत होती है एक के पॉप ग्रुप के मेंबर से जिसका नाम था सुंगरी। ऑल्सो आई एम 100% श्योर कि मैं इस पूरी वीडियो में सारे के सारे नाम गलत बोलूंगा बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर कोरियन नेम्स, सो आई जस्ट वांट अपोलोजाइज फॉर दैट थिंग ऑल्सो। तो सुंगरी एक मेंबर था, वो भी वन ऑफ द बिगेस्ट के पॉप ग्रुप का, जिनका नाम था बिग बैंग। YG एंटरटेनमेंट में बना ये ग्रुप बिग बैंग 2006 में डेब्यूट हुआ था विद देयर एल्बम वी बिलोंग टुगेदर, विच वॉज इंस्टेंट हिट क्योंकि बिग बैंग के मेंबर्स पहले भी मीडिया और एंटरटेनमेंट के बिजनेस में लाइट में रह चुके थे। बिग बैंग में शुरुआत में 5 मेंबर्स थे और एक प्रोड्यूसर, और इन सभी की इमेज उस समय रगेड एंड अ माचो मैन टाइप की थी। सीरियसली वॉचिंग ओल्ड बिग बैंग म्यूजिक वीडियोस फॉर दिस वीडियो जस्ट हिट मी विद अ नॉस्टैल्जिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कैसा। एंड मुझे उनकी म्यूजिक वीडियोस देखते हुए ऐसा भी लगा कि मैं माँ का समय सच में बुढ़ा हो रहा हूँ बिकॉज आई यूज टू वॉच देम लिटरली व्हेन आई वाज अ किड। अगर किसी को इंटरेस्ट है कि मेरा फेवरेट गाना कौन सा है बिग बैंग का, सो इट्स बैंग बैंग बैंग। एनीवेज, बिग बैंग वाज अ इंस्टेंट हिट शुरुआत से ही क्योंकि उनके सारे के सारे गाने हमेशा चार्ट होते थे, और बिग बैंग के गाने लैंग्वेज बैरियर होने के बावजूद भी लोग बाहर देशों में भी सुनते थे, विच वाज अ प्लस पॉइंट फॉर देम। तो उनके गाने और उनकी इमेज ने उन्हें बूस्ट करने में हेल्प करी, और इस इमेज का एक रीजन था सुंगरी। सुंगरी का असली नाम था ली सुंग्योंग जो, जो कि बिग बैंग का यंगेस्ट मेंबर था एंड ही डेब्यूटेड व्हेन ही वाज जस्ट 15 ईयर ओल्ड। वो 4 लैंग्वेजेस जानता था और 20 साल से ही वो म्यूजिक के अलावा और बिजनेस में इंटरेस्टेड था। रिसेंटली सुंगरी बैंड के हायटस को फिल कर रहा था बाय गोइंग ऑन टूर, और 2017 से वो कुछ ज़्यादा ही टूर कर रहा था एज ही वॉज सपोज टू गो फॉर मिलिटरी सर्विसेज इन 2019। सुंगरी की इमेज एक प्रॉपर मैंस मैन टाइप की थी, एक ऐसा आदमी जो गाना गाने के साथ साथ बिजनेस और म्यूजिक इंडस्ट्री में दूसरे काम भी करता था, बस उसका फेस और वोकल्स ही उसके साथ नहीं थे। सुंगरी को काम के बारे में और इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत ढंग से पता था। सुंगरी ने एक डांस एंड वोकल एकेडमी, एक रेस्टोरेंट और एक क्लब पार्टनरशिप में खोला था
जिसके साथ साथ जब वो छोटा था, जब वो बिग बैंग में था, तब भी उसने एक जापानीज रामेन रेस्टोरेंट चेन, कॉस्मेटिक चेन, अ बेल्जियन वॉफल कैफे एंड अ रिकॉर्ड कंपनी खोली थी, जो कि उसने को फाउंड करी थी उसकी ही एजेंसी के साथ, YG एंटरटेनमेंट। उसने बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ येलो मास्क में भी बहुत सारा पैसा लगाया था। उसने रियल स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस में भी काफ़ी सारा पैसा लगाया था, बट इवेंचुअली उसके ये साइड वाले बिजनेस फेल हो गए थे। और बचपन में खोले हुए या फिर इन्वेस्ट करे हुए सारे बिजनेस में से उसका सिर्फ एक बिजनेस नहीं चला, जो कि था जॉय डांस प्लग इन म्यूजिक अकेडमी। पर उसे छोड़कर सुंगरी का बिजनेस से बहुत सारा अच्छा खासा पैसा आता था, विच जस्ट मेंट इन सिंपल टर्म्स कि वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ भी कर सकता था। डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस में जाने के बाद सुंगरी ने यूरी होल्डिंग बिजनेसेस अपने एक दोस्त जो इन सुक के साथ खोला, जो कि मल्टीपल लैंड और स्मॉल रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजेस खोलना चाहते थे। जिस प्रोजेक्ट में यूरी होल्डिंग्स का पहला प्रोजेक्ट था द मंकी म्यूजियम, जो कि एक एलीट हाई वैल्यू या फिर रिच लोगों को केटर करता था, और ये रेस्टोरेंट अपने आप को प्राइवेट और सिक्योर होने के लिए बहुत जाना जाता था, ताकि बड़े बड़े बिजनेसमैन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर कोरियन स्टार्स यहाँ आकर आराम कर सके, खाना खा सके। और ये चीज इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। मंकी म्यूजियम की एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये को ओन था सुंगरी, यो और कुछ के पॉप सिंगर्स के साथ, सो कंप्लीट ओनरशिप नहीं थी सुंगरी के पास। फिर भी सुंगरी ज्यादातर मैनेज मंकी म्यूजियम को ही करता था वेन एवर ही हैड टाइम। ये तो था उसका पहला बिजनेस यूरी होल्डिंग्स के साथ। दूसरा बिजनेस उसका यूरी होल्डिंग्स के साथ था बर्निंग सन क्लब, जो कि दोबारा अपने आप को अमीर या फिर एलीट लोगों को, रिच लोगों को केटर करता था। और जो भी यहाँ के कस्टमर्स थे, दे जस्ट अज्यूम दिस थिंग, उन्होंने ये चीज कभी कही नहीं थी, बट दे जस्ट अज्यूम दिस थिंग कि बर्निंग सन क्लब मंकी म्यूजियम की तरह सिक्योर होगा, जहां वो अपने दिन भर की, हफ्ते भर की, महीने भर की तनाव को दूर रख के सिर्फ मस्ती मार सकते हैं, कुछ ड्रिंक्स पी सकते हैं, डांस कर सकते हैं एंड ऑल दैट। बर्निंग सन क्लब 23 फरवरी 2018 में खुला था, जो कि एक दूसरे होटल से रिप्लेस हुआ था, विच वॉज कॉल्ड रिट्ज कार्ल्टन होटल। और बर्निंग सन के बनने में बहुत ज़्यादा पैसा लगा था, जिसकी फंडिंग कहाँ से आई थी ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है। तो सुंगरी ने ये क्लब अपने दोस्त के साथ खोला नहीं था, यूरी होल्डिंग्स के साथ नहीं खोला था, ये क्लब पहले से बन चुका था गंगनम डिस्ट्रिक्ट में, ये काफ़ी टाइम से रन भी कर रहा था अंडर द इमेज ऑफ बीइंग लग्जूरियस या फिर बीइंग ओनली फॉर एलीट पीपल। पर जब यूरी होल्डिंग्स में उसके दोस्त ने, सुंगरी के दोस्त ने इस बिजनेस के बारे में सुंगरी को बताया, तो उसका इंटरेस्ट पीक होने के बाद उसने सीधा बर्निंग सन क्लब का 20% शेयर ले लिया था। उसने बिजनेस के साथ साथ बर्निंग सन क्लब की स्पेशल हेल्प करने के लिए भी प्रॉमिस करा था। तो 20% शेयर्स लेने के बाद सुंगरी बर्निंग सन के डायरेक्टर्स के साथ मिल गया था, जो कि उसे मिलाकर कुल 8 लोग थे। और बर्निंग सन के CEO थे ली मून हो एंड ली संग ह्यान। तो बर्निंग सन इस लग्जरी क्लब को 10 लोग मैनेज करते थे एक तरीके से, पर क्योंकि सुंगरी बिग बैंग में था और बिग बैंग इज ह्यूज, जिन लोगों को केपॉप के बारे में नहीं पता है, आई डोंट थिंक यू कैन इमेजिन दिस थिंग कि अपने शुरुआत के टाइम में, एक्चुअली अभी भी बिग बैंग कितने ज़्यादा बड़े थे। पर ये इमेजिन कर लो कि अगर कभी गलती से किसी बिग बैंग मेंबर ने कोई आइसक्रीम या फिर कोई चॉकलेट अगर पब्लिक में खा ली, तो नेक्स्ट दिन उस आइसक्रीम या फिर चॉकलेट का पूरा स्टॉक खत्म हो जाता था पूरे कोरिया में, इतने फेमस थे वो लोग। और यही बात बर्निंग सन क्लब के मेंबर्स को भी पता थी, इसीलिए उन्होंने सुंगरी का पूरा इस्तेमाल करा था उनके क्लब के प्रमोशन के लिए। जब भी वो बैनर बनाते तो वो सुंगरी की पिक को बीच में रखते, या फिर अगर उनके वहाँ इवेंट के लिए कोई प्रमोशनल पोस्टर बनते थे तो उसमें भी ज़्यादातर सुंगरी फ्रॉम बिग बैंग लिखा जाता था। एंड इट डिड वर्क, सुंगरी के साथ प्रमोशन करने के बाद काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ ऑडियंस आने लगी, विच ऑफ कोर्स इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ गर्ल्स ऑल्सो। और ये अपॉर्चुनिटी कैपिटलाइज करने के लिए बर्निंग सन क्लब की एंट्री फी और वहाँ अंदर का सारा सामान एकदम उन सबके प्राइस में एकदम से हाइक आ गया था। इट मीन्स कि उन्होंने खाने पीने का सारा दारो दूरों का सबका प्राइस बढ़ा दिया था एकदम से। सुंगरी के प्रमोशन करने के बाद बर्निंग सन की इमेज काफ़ी ज़्यादा सही हो चुकी थी। एलीट और लग्जरी क्लब तो वो पहले से था ही, लेकिन सुंगरी के ज्वाइन करने के बाद से, सुंगरी के प्रमोशन के बाद से, अब उनके पास एक फेमस आदमी भी था, उनके पास इन्वेस्टमेंट्स थे, उनके पास कनेक्शंस थे, उनके पास महीनों महीनों तक की फंडिंग भी थी, और तो और उनके पास एक हेल्दी और स्टेडी कस्टमर बेस भी था, विच इज अ वेरी गुड थिंग टू हैव, किसी भी स्मॉल बिजनेस ओनर से पूछ लो ये बात। पर ये सब कुछ शटर होने वाला था, ये सब कुछ खत्म होने वाला था उनके क्लब में चलते हुए कुछ शेडी बिजनेस की वजह से।
ये स्कैंडल एक्चुअली शुरू होता है एक कंप्लेंट से। किम संग्यो एक बर्निंग सन क्लब का नॉर्मल कस्टमर था, जो कि 24 नवंबर 2018 को मस्ती करने के लिए इस क्लब में गया था। जब उसने देखा कि एक लड़की को इस क्लब में ड्रग करा जा रहा था, थोड़ा और देर नोटिस करने के बाद उसने देखा कि दो आदमी इस लड़की का फायदा उठा रहे थे और उसे गलत वे में छू रहे थे। ये लड़की इतनी डेज थी कि उस सिचुएशन में भी वो डांस कर रही थी और उसे पता भी नहीं था कि उसके पीछे दो लड़के उससे चिपके हुए हैं। जब किम ने उन दोनों लड़कों को रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने उसे वहां से भगा दिया। ही वॉज वरीड अबाउट दिस गर्ल, तो उसने क्लब के मेंबर्स को इस बारे में बताया, पर उस लड़की को बचाने के बदले क्लब के मेंबर्स ने किम को ही वापस मार दिया। वीडियो नहीं दिखा सकता मैं यहाँ पर वो लोग उसे मार मार कर क्लब से बाहर ले गए और फिर उन्होंने किम को एक ब्लॉक तक मारा, जिसके बाद किम वहां से भाग गया। इसके बाद किम ने सीधा पुलिस को कॉल करा और पुलिस वहां करीब 15 मिनट के अंदर आ गई थी। और उनके आने के बाद किम ने पुलिस को पूरी सिचुएशन समझाई और अपने फेस के मार्क्स भी दिखाए जहां पे उसकी चोट लगी हुई थी। क्लब के मेंबर्स ने उसे इतना मारा था कि उसकी आंख सूज गई थी, उसके नाक से खून निकल रहा था, मुंह के अंदर से खून निकल रहा था और उसकी रिब केज टूट गई थी। पर सब कुछ सुनने और समझने के बाद भी पुलिस ने किम को ही अरेस्ट करा, ना कि उन लोगों को जिन्होंने उस लड़की के साथ बदतमीजी करी थी। ही वॉज अरेस्टेड एंड उसके बाद भी पुलिस वालों ने उसे और मारा। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो, किम संग्यो को उस दिन जस्टिस नहीं मिली थी, तो उसने एक नेशनल पिटीशन निकाला जिसमें उसने अपने साथ हुए इनजस्टिस के बारे में, बर्निंग सन क्लब में मौजूद चार लोगों के बारे में और बर्निंग सन क्लब में लड़कियों को नशे के पदार्थ देकर उनका फायदा उठाने की हर एक चीज डिटेल में लिखी थी। पहले तो किम के पिटीशन को कोई लाइट नहीं मिली, उसे किसी ने नहीं देखा और लोगों को ऐसा भी लगा क्योंकि सुंगरी इस क्लब में था, एक फेमस आदमी इस क्लब से जुड़ा हुआ था, इसीलिए आदमी किम सिर्फ इस क्लब का नाम खराब करने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बना रहा है और पिटीशन निकाल रहा है। किम संग्यो वॉज अबाउट टू लूज ऑल होप, पर फिर ये पिटीशन MBC जो कि कोरिया में एक बहुत बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है, उन्होंने देखा और वहाँ मौजूद एक वर्कर ने इस क्लब की CCTV फुटेज निकाल दी, जिसमें यह साफ साफ दिख रहा था कि कैसे किम संग्यो के साथ नाइंसाफी हुई थी। इस CCTV फुटेज में वो लड़की भी क्लियरली दिख रही थी जिसको बचाने के लिए किम गया था। और उसके बाद CCTV फुटेज में ये भी दिख रहा था कि कैसे पुलिस ने और क्लब मेंबर्स ने भी किम को मारा था। और ये CCTV फुटेज मिलने के बाद उन्होंने सब कुछ अपने मेन चैनल पे MBC चैनल पे ब्रॉडकास्ट कर दिया था। जस्ट टू गिव यू रेफरेंस, MBC मतलब इंडिया का आज तक। इसके बाद किम के पिटीशन को 2,03,000 साइन मिल गए थे, सो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टुक नोटिस ऑफ दिस थिंग। जिसके बाद मून जे इन जो कि कोरिया के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला कि वो इस पिटीशन पर ढंग से छानबीन करवाएंगे और उन्होंने SMPA जो कि सोल की पुलिस है, उन्हें इस चीज की छानबीन करने के लिए कहा। पर जैसे ही छानबीन शुरू हुई, जैसे ही ये नाम भरा है, जैसे ही पिटीशन पे 2,00,000 साइन हुए, सीधा सबसे पहले नाम आया सुंगरी का, क्योंकि सुंगरी इस क्लब का ओनर था, लाइक ही वाज पार्ट ओनर। तो YG एंटरटेनमेंट को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकालनी पड़ी और उन्होंने बेसिकली ये कहा कि हाँ, सुंगरी उस दिन क्लब में गया था, लेकिन किम को मार खाने से पहले, किम के साथ कुछ भी इंसिडेंट होने से पहले सुंगरी उस क्लब से बाहर निकल गया था। दे डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द गर्ल, दे डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट बीटिंग किम। तो जिन भी लोगों ने किम को मारा, उनमें से कोई भी सुंगरी नहीं था। बेसिकली YG एंटरटेनमेंट का ये कहना था, दिस वाज ऑब्वियसली डैमेज कंट्रोल। एंड एज इफ ऑल ऑफ दिस वाज नॉट बैड एनफ, SMPA के इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि बर्निंग सन क्लब में सिर्फ ये एक ही दिन नहीं, और भी बहुत सारे टाइम से, 2018 से बल्कि, बहुत सारे शेडी बिजनेसेस हो रहे थे। ड्रग्स से लेकर वहां काम करने वाली लड़कियों के अनसेंसर्ड फोटो तक वहां बहुत कुछ चल रहा था। इस क्लब के मेंबर्स, सो इंक्लूडिंग सुंगरी, VIP रिच कस्टमर्स को लड़कियों की फोटो भेजते थे। कभी वो उन्हें खाने से कंपेयर करते तो कभी वो उनका सीधा रेट बताते थे। फिर इस क्लब के काकाओ मैसेजेस भी लीक हो गए थे, जिसमें सुंगरी ने खुद कस्टमर्स को लड़कियां ऑफर करते हुए उनके रेट फिक्स करते हुए दिखाया था। इसमें एक और एलिगेशन था कि ज्यादातर लड़कियों को पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या चल रहा है, वो वहां बस नॉर्मल काम करने के लिए आती थी, पर फिर उन्हें इस बिजनेस में भी धकेल दिया जाता था, जिसके बाद उनका मुंह बंद करने के लिए उन्हें फीस में से 1% कट में दिया जाता था, ताकि वो पुलिस या फिर किसी भी आदमी को बाहर कुछ बोले ना।
और बर्निंग सन क्लब की इमेज खराब ना हो। ऑल्सो इफ यू कम बैक नाउ, तुम्हें याद होगा कि यूरी होल्डिंग्स का पहला रेस्टोरेंट भी था जिसका नाम था मंकी म्यूजियम। वेल, मंकी म्यूजियम तो कोई रेस्टोरेंट था ही नहीं और वो इस सेम काम के लिए यूज करा जाता था। सुंगरी का पार्टनर और यूरी होल्डिंग्स का दूसरा मेंबर यू इन सुक एक्चुअली मंकी म्यूजियम को एक डिस्गाइज जैसे यूज करता था जहां से वह अपना सारा बिजनेस का टैक्स इवेजन कराता था। एंड ऑल्सो एज आई सेड, मंकी म्यूजियम कोई रेस्टोरेंट नहीं था जैसा लोगों को लगता था। दिस वॉज ऑल्सो अ क्लब जहां यू इन सुक ने फुल कैम गर्ल बिजनेस खोल कर दिया था और यहां पर लड़की खरीदने का कारोबार भी चलता था। जब पुलिस को मंकी म्यूजियम के बारे में पता चला तो उन्होंने इस चीज पर भी इन्वेस्टिगेट करा, पर मंकी बिजनेस के ओनर को बस $35,000 का फाइन लगा था क्योंकि apparently it did not involve their other business which was Burning Sun Club. Now, छोटा सा recap ये है कि Monkey Museum और Burning Sun Club दोनों ही clubs थे, दोनों में ही बहुत सारे shady businesses चलते थे और दोनों shady businesses के बारे में पता था सुंगरी और उसके partner यून को। पर पुलिस को ये लगा कि Monkey Business का Burning Sun Club से कोई relation नहीं है, इसीलिए उन्होंने सिर्फ $35,000 का fine लगाया था Monkey Museum पर। सुनने में ये लगता है पर असलियत ये नहीं थी। सुंगरी ने इस time पर actually पुलिस को ब्राइब करा था मंकी म्यूजियम को बचाने के लिए और उसने यही सेम चीज अपने मल्टीपल चैट ग्रुप्स में दूसरे ओनर्स और दूसरे मेंबर्स को भी लिखी थी दैट दे शुड नॉट वरी अबाउट ऑल द इलीगल एक्टिविटीज इन मंकी म्यूजियम। ये पहली झलक है करप्शन की इस केस में जो कि तुम्हें आगे भी दिखेगी, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। बर्निंग सन क्लब के ककाओ मैसेजेस में बाकी मेंबर्स भी थे पर ज्यादातर चैट्स जो न्यूज पर शो हुए थे वो सुंगरी के ही थे। इनफैक्ट जब ये सब कुछ एक्यूजेशंस बाहर आ रहे थे तब सुंगरी टूर पर था। जैसे कि मैंने तुम्हें शुरुआत में कहा था वो 2017 से टूर पे था पर उसे अपना टूर कैंसिल करके वापस आना पड़ा हर एक चीज हैंडल करने के लिए, जिसके बाद सुंगरी पर ट्रैवल बैन लगा दिया गया था ताकि वो कंट्री छोड़कर कहीं जा ना पाए। उस पर वैश्यवृत्ति के चार्जेस भी लगे और इन सब के चलते हुए सुंगरी ने अपोलॉजी स्टेटमेंट इंस्टाग्राम पर निकाली जिसमें उसने बेसिकली ये कहा कि उसे बैक बिजनेसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर हम ये चीज़ अज्यूम भी कर लें कि मान लो उसे नहीं पता था कि इलीगल चीज़ें क्या हो रही है बिजनेस के पीछे, पर तब फिर टैक्स का क्या? टैक्स में तो उसने यही कहा था बाकी मेंबर्स को कि चिंता मत करो मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, राइट? और फिर 11th मार्च 2019 को सुंगरी को ऑफिशियली पूरी कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से निकाल दिया गया। ये बहुत सारी चीजें एक साथ कुछ दिनों के स्पैन में ही हो रही थी बट स्टिल ये तो बस एक शुरुआत थी क्योंकि इससे भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल फाइल्स के नीचे था जिसके बारे में सोल पुलिस को भी नहीं पता था और ये स्कैंडल पूरी के पॉप के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिलाने वाला था। जिस दिन सुंगरी कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिटायर हुआ या फिर किक आउट हुआ उस ही दिन एक और बहुत बड़ा एक्यूजेशन सामने आया विच इन्वॉल्व्ड इवन मोर कोरियन स्टार नेम्स जिसमें जोंग जोन ह्यूंग जो कि एक सिंगर और एक्टर थे, चोय जोंग हुन, रॉय किम, एडी किम, योंग जोंग ह्यून, ली जोंग ह्यून और सुंगरी भी शामिल था और ये दोनों बहुत बड़े स्कैंडल बहुत ही वियर्ड वे में एक दूसरे से कनेक्टेड थे। अपेरेंटली एक्टर जोंग जोन ह्यूंग उसने अपना फोन रिपेयर के लिए दिया था जहां से एक टेक्नीशियन ने JJY के फोन में इलीगल चीजें होते हुए देखा। ही फाउंड आउट कि ये सभी लोग जिन भी मेंबर्स के मैंने अभी नाम बोले ये सभी लोग एक काकाओ ग्रुप चैट में थे जहां ये लड़कियों की स्पाई कैम फुटेज भेजते थे और खरीदते थे। स्पाई कैम फुटेज गाइस, दीज नेम्स आर नॉट स्मॉल, ये मेगा स्टार्स है कोरिया के। ये लोग सर्कुलेट कर रहे थे लड़कियों की स्पाई कैम फुटेज, दैट इज सच अ बिजार थिंग। और इस पूरे ग्रुप चैट की डेट्स थी 2015 से 2016 तक, तो बर्निंग सन स्कैंडल होने से बहुत पहले। पर अपनी लाइफ के बारे में डरते हुए उस टेक्नीशियन ने जब ये सब कुछ देखा तो उसने कुछ नहीं कहा, पर जैसे ही बर्निंग सन और सुंगरी की न्यूज बाहर आई तो उसने ये सभी स्क्रीनशॉट 47 ऑफ देम एंटी करप्शन एंड सिविल राइट्स कमीशन को SBS फन ई के थ्रू भेज दी। इस ग्रुप चैट में फुल लेंथ अश्लील वीडियोस, बहुत सारी फोटोज और लड़कियों के हेडशॉट्स मेंबर्स के बीच में आपस में शेयर करे गए थे।
पर ज़्यादातर वीडियोस इसमें स्पाई कैम की ही थी, विच इज़ बिलीव्ड कि इन ही मेंबर्स ने इन लड़कियों के घरों में लगवाए थे। नाउ बर्निंग सन स्कैंडल अलग था और जो एक काकाओ ग्रुप चैट वाला स्कैंडल था ये चीज़ अलग थी। और इस ग्रुप चैट वाले स्कैंडल में मेनली फंसा था JJY एक्टर। पर जैसे ही ये चैट्स बाहर आई उस समय पे सुंगरी पर और भी ज़्यादा बैकलैश आने लगे और भी ज़्यादा एलिगेशंस आने लगे, तो सारा का सारा ब्लेम ले लिया सुंगरी ने। पर इस ग्रुप चैट के बाकी मेंबर्स सुंगरी से कहीं ज़्यादा वाहियात थे। वो अपने खुद की सेक्स करते हुए वीडियो इस ग्रुप चैट में भेजते थे, जैसे कि एडी किम और रॉय किम। पर सबसे बुरा इंसान इस पूरे ग्रुप चैट में, इस पूरे स्कैंडल में था जंग जुन योंग। JJY लड़कियों का बेहोशी की हालत में शोषण करता था, उनकी वीडियोस बनाता और फिर इसी ग्रुप चैट में भेज देता था। कई बार वो लड़कियों को बेहोशी की हालत में भी मारता था और उनके ऊपर चढ़ा रहता था। और एक पर्टिकुलर चैट में उसने लिखा था कि ये लड़की अब फेंट हो रही है, पर यहाँ से ही मज़ा शुरू होता है। और तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि आजकल तो कोई भी ऐप सेफ नहीं है, इतने फेमस लोग काकाओ ग्रुप चैट पे ऐसे काम क्यों कर रहे थे, इन्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता क्या? वेल, इस ग्रुप चैट के अकॉर्डिंग चोय जोंग हुन और योंग जुन योंग किसी पुलिस चीफ को जानते थे who had their back, इसीलिए इन्हें कोई डर नहीं था पकड़े जाने का। इनफैक्ट इस ग्रुप चैट के बाहर आने पर सिर्फ 3 मेंबर्स को अरेस्ट करके जेल भेजा गया था और बाकी सारे मेंबर्स को छूट दे दी गई थी एक्सेप्ट सुंगरी, क्योंकि उस पर बर्निंग सन स्कैंडल के चार्जेस भी थे। और ये सब कुछ एलिजेडली और मिस्टीरियसली सोल पुलिस के अंदर से ही हुआ था, विच ओनली मीन्स वन थिंग, दैट इज करप्शन। जो भी ये पुलिस चीफ था जिसको JJY जानता था, उसने इन मेंबर्स की हेल्प करी अंदर से। और ये हेल्प इतनी सही थी गाइस कि हमें इन मेंबर्स के, जो बाकी के मेंबर्स थे इस ग्रुप चैट में, उनके नाम भी नहीं पता है आज तक। ऑल एविडेंसेस फॉर देम वर इरेज्ड इंक्लूडिंग देयर नेम्स। और पुलिस करप्शन यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। एक और एक्स पुलिस ऑफिसर जो कि गंगनम के एरिया में पेट्रोल करता था, उसे अपेरेंटली बर्निंग सन के मेंबर्स ने घूस दी थी कि वो अंडर एज लड़कियों को इस क्लब के अंदर आने दे। और ये सब कुछ बहुत टाइम से चल रहा था और इस एक्स पुलिस ऑफिसर ने यहाँ से इतने पैसे कमाए, इतना घूस कमाया कि बस इस एक क्लब से, इस एक क्लब की ब्राइब से उसने 20 मिलियन कमा लिए थे। इन दोनों ही पुलिस वालों को, चीफ पुलिस ऑफिसर और इस एक्स पुलिस ऑफिसर को, इन दोनों पे चार्ज लगाए गए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए कहा गया था। पर करप्शन कह लो या फिर पैसा कह लो, लास्ट में इन दोनों ही पुलिस वालों को छोड़ दिया गया था बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनी एविडेंस अगेंस्ट देम। ऑल्सो जो दूसरा पुलिस वाला था जो छोटी लड़कियों को और अंडर एज गर्ल्स को इस क्लब एरिया में आने देता था, कहते हैं कि उसके अरेस्ट के टाइम पे वो डरा हुआ भी नहीं था, प्रॉब्ली बिकॉज ही न्यू कि उसे कोई भी सजा नहीं मिलेगी, उसे छूट मिल जाएगी। यूरी होल्डिंग के मेंबर यू इन सुक को लास्ट में सारे एविडेंसेस के तहत गिल्टी प्लीड करा दिया गया और उसे 2 के लिए जेल कैद की सजा सुना दी। विच इज लाइक वॉट, दिस मैन वॉज लिटरली रनिंग स्टफ बिहाइंड, जैसे कि एक माफिया चलाता है वैसे। ही वॉज ऑल्सो स्टीलिंग मनी इन बिग चंक्स, डूइंग टैक्स फ्रॉड, और लड़कियों का कारोबार ये 2 से कर रहा था, जिसके लिए उसे बस 2 की सजा सुनाई गई थी। तो ये तो बात थी यूरी होल्डिंग्स के एक मेंबर की। एज अ सुंगरी, उसकी इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट हेयरिंग्स बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी और मार्च 2020 में सुंगरी एनलिस्ट हो गया था कोरियन मिलिट्री के लिए, विच इज़ अ मैंडेटरी थिंग टू डू। और मिलिट्री में रहते हुए सुंगरी हर एक चीज़ को डिनाई करता रहा एक्सेप्ट गैम्बलिंग और मनी फ्रॉड चार्जेस। पर फिर मई 26, 2022 को सुंगरी के अगेंस्ट इतने सारे चार्जेस और प्रूफ होने की वजह से उसे मिलिट्री सर्विस से निकालकर 3 के लिए जेल में डाल दिया गया था। इट इज ट्रू कि बर्निंग सन स्कैंडल और जो ये सेकंड काकाओ ग्रुप चैट स्कैंडल था, इन दोनों में ही सुंगरी को ज्यादा ब्लो मिला क्योंकि वो पहले से ही फेमस था, वो दोनों ही क्लब का ओनर था और दोनों ही स्कैंडल में वो प्रेजेंट था। ऑल्सो बिकॉज ही वॉज एन एक्स मेंबर ऑफ बिग बैंग ग्रुप। पर हर एक आदमी जो इन दोनों स्कैंडल्स में इन्वॉल्व थे और काकाओ ग्रुप चैट्स में इन्वॉल्व थे, देवर एनिमल्स। ऑल्सो तुम्हें इस केस से थोड़ा बहुत समझ आ ही गया होगा कि कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरी सनशाइन नहीं है। देयर इज अ वेरी डार्क बैकग्राउंड of Korean industry, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। पर इसी के साथ Burning Sun Club का केस यहीं पर समाप्त होता है। Again guys, before you go, I would just like to request you all कि अगर आपको true crime documentaries देखना पसंद है, then please subscribe to me. And with that, I hope that all of you are doing well. I hope all of you are happy. I hope all of you are healthy. Please keep your loved ones very close to you guys, and I will see you very very soon. Bye bye.